सब्सक्राइब करें एजुकेशन इन्फो टीवी को और साथ बेल आइकन को ऑल के ऊपर प्रेस करें एजुकेशन से मुतालिक नई वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आई एम अब्दुल करीम। एजुकेशन इन्फो टीवी में खुश आमदीद। एजुकेशन के हवाले से अब तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सुबह पंजाब का एक स्कूल ओपन था, जिसकी वजह से उस स्कूल और हेडमास्टर के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया गया और कौन सी कार्रवाई की गई। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगा। तो इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बात करते हैं, सुबह पंजाब का एक स्कूल ओपन था, क्योंकि कुछ दिन पहले जितना भी प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने एक नोटिफिकेशन, उन्होंने एक इत्तला दी थी कि तमाम स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल 1 जून से ओपन कर दिए जाएंगे। तो जिसके नतीजे में कल एक स्कूल ओपन था। यहाँ पर अब आप लोग ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, 1 जून 2020 को एक स्कूल ओपन था, जिसके नतीजे में AU ने विज़िट किया। तो विज़िट करने के दौरान उसको एक स्कूल ओपन नज़र आया, तो उस स्कूल के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई और उस स्कूल के हेडमास्टर के खिलाफ भी सख्ती से एक्शन लिया गया। यहाँ पर अब आप लोग ये ख़ुद भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो स्कूल ओपन था उस स्कूल के हेडमास्टर और टीचर्स के खिलाफ, हेडमास्टर और स्कूल के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसे लाइक एंड शेयर कर दें। जो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।